नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, मैथ के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर लेस देन 100 हो तो उसका कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर मोर देन 100 हो तो कैसे करेंगे। अगर आपने 2 मिनट दे दिया तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में बनाएंगे। जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, अगर कोई भी संख्या मोर देन 100 में हो और उसका स्क्वायर करना हो तो मैंने नोट में लिख भी दिया है कि 100 से जितना अधिक संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे और उतना ही संख्या जोड़ देंगे। जैसे मान लिया कि आपको 102 का स्क्वायर करना हो तो 102 का में हम यूनिट का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 हो गया, और यही संख्या 102+2 कर देंगे, क्या हो गया 104, और ये संख्या लिख देंगे। इसी तरह से अगर 103 का स्क्वायर करना हो तो कुछ नहीं करना है कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 हो जाएगा, और अब 103+3 कर देंगे 106 लिख देंगे। इसी तरह अगर 104 का स्क्वायर करना हो तो 4 चौक 16 और 4 इसमें ऐड कर देंगे 108 हो गया। इसी तरह आपको 105 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 105 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110 लिख देंगे 110 हो गया। इतना इजी ट्रिक है। इसी तरह 106 का स्क्वायर करना हो तो क्या करना है, 106 को 36 हो जाएगा और 6 जोड़ दोगे तो 112 हो जाएगा 112। तो दोस्तों, इतना इजी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आप हिंदी को कोडिंग में पढ़ते हो वैसे ही हम मैथ को भी कोडिंग में पढ़ सकते हैं, और मैथ जो एग्जाम कोई भी हो 10 से 15 सवाल मैथ का पूछा जाता है, उन सवालों को आप आराम से बना सकते हैं। उन सवालों को आप कोई भी सवाल किसी भी तरह का हो अगर आपको ट्रिक आता है तो 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। इसी तरह आप सवाल को बनाना चाहते हैं तो मेरा मैथ का क्लास शुरू हो चुका है, आप क्लास लेकर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।